देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, सब मिला के 15 से 16 क्वेश्चन है मेरे टिक वाले। अरे हम 20 मान ले रहे भाई, हटाओ। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से 20 में से 10 तो शॉर्ट हैं। ले लॉन्ग गिनते आ जाओ, लॉन्ग ऐसी तैसी लॉन्ग गिनो लॉन्ग। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लॉन्ग, बल्कि चलो नौ, अरे 10 लॉन्ग मान लो भाई। 10 लॉन्ग अगर आपने कायदे से पढ़ लिया, हम गारंटी ले रहे पेपर पूरा करके आओगे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सर, ठीक है, बहुत रिसर्च के बाद बनाई है, इसलिए इस पे इतना सब लिखा हुआ दिख रहा होगा। और इसमें दो टॉपिक शॉर्ट में और ऐड कर लेना, अभी हमने ऊपर बताए थे, बताओ क्या, म्यूटा रोटेशन और एपीमेराइजेशन, ठीक है सर। और ये ऐसा नहीं कि ढूंढने की जरूरत है, ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में। अभी तक जितनी वीडियो बनी है सेकंड सेमेस्टर की, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। सबसे पहले जिन लोगों के ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस पेपर हो रहे हैं, उन लोगों की सीरीज कल से कंटिन्यू हो जाएगी। जो लोग फिजिक्स के लिए कह रहे थे, वो वीडियोज भी कल से या परसों से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। केमिस्ट्री अपने पूरी डिस्क्रिप्टिव महाक्लास में लपेट दी। जिन लोगों के 22 तारीख को यानी कल पेपर है, उनके लिए पूरा हमने सब कुछ करा दिया। और वीडियो वाइज हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चले थे, लेकिन अभी हम लोग पूरी सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन यानी जो आप नहीं छोड़ सकते हो एंड टाइम पर, उन पे चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें समझिए। सबसे पहला और मेरे भाई बेहतरीन जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई कई तरीके से बनेगा, जरा ध्यान से समझना। कार्बोहाइड्रेट जैसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर क्या होती हैं, नॉन शुगर क्या होती हैं, ठीक है, यानी शर्कराएं क्या होती हैं, अशर्कराएं क्या होती हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट का जो हमने क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, मन लगा के पढ़ो। एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है ही, और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तब भी सब कुछ अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है पूरा हमने पढ़ाया हुआ है। आराम से जाइए, टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ी हुई है, मन लगा के पढ़ डालिए सर, ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट करिए। कार्बोहाइड्रेट आप नहीं छोड़ सकते हो मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। दूसरा ग्लूकोज, सर ग्लूकोज तो आपको पढ़ना ही है, खास करके ग्लूकोज के जो कन्वर्जन है, जैसे ग्लूकोज से अरेबिनोज, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक टॉपिक बनेगा, लिख लेना साथ में मेरे भाई, एपीमेराइजेशन, क्या बनेगा, एपीमेराइजेशन, ठीक है, यही कन्वर्जन आएगा। और म्यूटा रोटेशन, ठीक है सर, म्यूटा रोटेशन, एपीमेराइजेशन और म्यूटा रोटेशन, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, इससे कनेक्टेड, ठीक है, कन्वर्जन। उसके बाद कन्वर्जन में क्या आएगा, कीटोस से एल्डोज कैसे बनाओगे, फ्रक्टोज से ग्लूकोज, इस तरीके के कन्वर्जन पेपर में आएंगे। यानी पहला क्वेश्चन हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया मेरे भाई ग्लूकोज जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते हो, सुक्रोज है लेकिन ठीक ठाक, मन हो पढ़ना मन हो छोड़ देना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जरूर पता होना चाहिए। चौथा प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, या उन्हीं से कनेक्टेड न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, डीएनए का वॉटसन एवं क्रिक मॉडल ठीक ठाक है, पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम इसे नहीं रखेंगे। ब्रैग्स इक्वेशन लॉन्ग में हमने इसे लिखा है, लेकिन यह लॉन्ग में नहीं आएगी, ये या तो 7.5 वाले में आएगी या फिर लघु में आएगी, मतलब या फिर जो है अति लघु में आएगी, विस्तृत में ये नहीं आएगी। ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin θ = nλ, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जो होते हैं, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रेवाइस लैटिस ठीक ठाक है, पढ़ लेना। सिलिकॉन्स और फास्फाजीन्स में ट्राई फास्फाजीन्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा सर, ठीक है। सेलुलोज आपसे पेपर में आ सकता है, तो सेलुलोज के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डाई क्या होती है, डाई में कलर कॉन्स्टिट्यूशन और टिप्पणी आएगी किसके ऊपर, क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, क्रोमोजेन क्या होता है, इन सब के ऊपर मेरे भाई टिप्पणी आएगी और आपको करना पड़ेगी सर, ठीक है। कुछ शॉर्ट अगर इंपॉर्टेंट की हम लोग बात करें सर शॉर्ट की, तो शॉर्ट में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत पूछा जाता है, डीएनए आरएनए के बारे में खूब पूछा जाता है, एस्पिरिन क्या है, पैरासिटामोल क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। सिंथेटिक डाई क्या होती है, उनमें भी मेथिल ऑरेंज और एजो डाई जो होती है उनके बारे में सर, ठीक है। क्रोमोएम्फेनिकॉल क्या होता है, ज्यूटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमराइजेशन में कुछ है पीबीसी, टेफलॉन, बेकेलाइट, ऑर्लॉन, पॉलीथीन, नाइलॉन 66
और ब्यूना एसरावर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जिनके ऊपर टिक लगा रखे हैं मेरे भाई, उन्हें आपको जरूर पढ़ना है। इसकी पीडीएफ हम यहां भी ऐड करा देंगे एप्लीकेशन पर भी, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी। बीडी कैडियन बीएससी सर्च कर लीजिएगा सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और टॉपिक अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, जेनेटिक कोड क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, इलास्टोमास डबल टिक लगा रखा मतलब ये इंपॉर्टेंट है समझ छोड़ना, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सिंथॉन्स क्या होता है, सिंथेटिक रबर क्या होता है, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन अगर हम टिक वाले गिने तो देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, सब मिला के 15 से 16 क्वेश्चन है मेरे टिक वाले। अरे हम 20 मान ले रहे भाई, हटाओ, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से 20 में से 10 तो शॉर्ट हैं। लो लॉन्ग गिनते आ जाओ, लॉन्ग ऐसी तैसी लॉन्ग गिनो, लॉन्ग एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लॉन्ग बल्कि चलो नौ, अरे 10 लॉन्ग मान लो भाई, 10 लॉन्ग अगर आपने कायदे से पढ़ लिया, हम गारंटी ले रहे पेपर पूरा करके आओगे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सर, ठीक है, बहुत रिसर्च के बाद बनाई है, इसलिए इस पे इतना सब लिखा हुआ दिख रहा होगा। और इसमें दो टॉपिक शॉर्ट में और ऐड कर लेना, अभी हमने ऊपर बताए थे, बताओ क्या, म्यूटा रोटेशन और एपीमेराइजेशन, ठीक है सर। और ये ऐसा नहीं कि ढूंढने की जरूरत है, ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, टेलीग्राम पे भी ढूंढना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। महाक्लास में जाइए, ठीक है, महाक्लास में वहां पर ऐसे डालिए, महाक्लास वन, महाक्लास टू, महाक्लास थ्री, महाक्लास फोर, सब मिल जाएंगे, डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे सिक्स डे सेवन सब कुछ पढ़ाया हुआ, सारे नोट सारी चीजें डिटेल में अवेलेबल है मेरे भाई, कहीं कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फिलहाल तो ये पीडीएफ बन ही गई है, तो ऐसे ही शेयर की जाएगी, लेकिन आप ये ध्यान रखना म्यूटा रोटेशन और एपीमेराइजेशन भी आपको पढ़ना है सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। कल से हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव की सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, डे 7 तक शायद हम लोग पहुंच गए थे। फोर्थ सेमेस्टर वाले जो बच्चे परेशान हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि कह रहे थे सर केमिस्ट्री तो चलो तब भी ठीक है, फिजिक्स नहीं मिल रही है। फोर्थ सेमेस्टर में कुछ लोग कह रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर हमारा आ रहा है। देखो भाई, एक एक करके ही चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। अब देखो सेकंड की केमिस्ट्री नहीं पढ़ गई, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड की फिजिक्स लपेटेंगे और फोर्थ की केमिस्ट्री लपेटेंगे। तो इस तरीके से चीजें साथ साथ में लेके चलेंगे, और कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट आप तक पहुंचाने की सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके बताना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।